हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो आज है डे 19 ब्लॉगिंग का और सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे। देखो यार, बेड से घड़ी तक जाते जाते तो 15 मिनट लग ही जाते हैं, ठीक है। और ये था आज का रियल स्ट्रगल। एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में चाय का कप था और गेट भी उसी हाथ से खोलना था। तो ये रियल स्ट्रगल के बाद जैसे तैसे चाय लेके हम चलते हैं गार्डन की तरफ। देखो भाई, ब्लॉग शूट करना भी ज़रूरी है, वरना फील कैसे ही आएगा वीडियो देख के, ठीक है। तो फिर ये गार्डन की तरफ चल पड़ते हैं मामा को चाय देने। और मामा आराम से बैठे थे झूले पे, तो उनको चाय दिया और सुबह सुबह मामा की ऐसी स्माइल देख के तो दिन ही बन गया, ठीक है। तो आज का दिन जाने वाला है काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो थोड़ी देर मामा के साथ गप शप करने के बाद वापस से वही कड़ी पत्ता लेके जाती हूँ मैं ऊपर। ऊपर जाती हूँ तो देखती हूँ वेदू स्कूल जा रहा है, तो उसे टाटा बाय बाय किया। फिर अंदर आती हूँ तो ये देखो आए ये विदेश राज अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अकेले अकेले, ठीक है। तो इन भाई साहब के साथ, छोटे नवाब के साथ खेला मैंने कुछ देर। ये सब करते कराते बज गए थे 7:30, ठीक है। तो सुबह के 7:30 बजे फिर मामी कहती हैं कि चलो बिल्कुल चाय पी लेते हैं। तो मेरी और मामी की शुरुआत होती है चाय और गुड्डे बिस्किट के साथ। तो ये डिप कर करके हम खा रहे थे चाय और बिस्किट, ठीक है। और ये देखो फिर एक स्माइली, भाई लगता आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला, ठीक है। तो चाय शाय पिया, चाय शाय पीने के बाद करीब 8:09 बज गए थे। फिर वहीं चलते हैं ऑफिस की तरफ, आज भी था ढेर सारा काम, तो ऑफिस में चलते हैं। ये लाइट ऑन किया और बैठ गए सिस्टम पे, ठीक है। नाना जी के साथ पेपर वर्क करने के बाद ये करते कराते हो गए थे मान लो 12 या 1 तो बज गए थे। और ये पेपर आप देख रहे हो ना डिलीवरी वाला, ये कुछ हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। ऊपर आती हूँ तो देखती हूँ आय हाय रेकोच की पत्ती, कि रेकोच की पत्ती नहीं है, पकौड़ी, पत्ती की पकौड़ी थी, ठीक है। तो वो खाया, उसके बाद फिर कॉल आता है हमेशा की तरह डिलीवरी वाले भैया का कि मैडम आपका पार्सल आया है, ले लीजिए। तो मैं जाती हूँ नीचे, ये अपना नायका का पार्सल रिसीव किया। फिर आई ऊपर, फिर कॉल आता है, फिर आते हैं फ्लिपकार्ट वाले भैया कि मैडम आपका पार्सल आया है। तो फिर लिया एक पार्सल और चलते हैं घर की तरफ। देखो यार, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने की नहीं है, छोड़ो। तो ये सब करते कराते हो जाती है शाम। तो अगर मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लेना, इस एरिया का भी मैंने पूरा वीडियो ब्लॉग में शूट करके डाला है। तो अभी हो रहा था शाम और अभी हो रहा था भुट्टा खाने का टाइम। तो शाम हो गया था, स्नैक्स में थे आज भुट्टे, तो बस चूल्हे पे भुट्टे फ्राई हो रहे थे। तो ये चल रहा है फ्राई, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं ना तो जाके देख लेना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा एरिया है और क्या है, ठीक है। तो अभी सब कोई बैठा हुआ है, सब साथ में, मामा मम्मी नानी, ठीक है। और फिर ये मेरा भाई हाय गाइस करते हुए, छोटा भाई है वैसे, देख के लगता नहीं है, ठीक है। तो अभी सब बैठे हुए हैं। वही शाम का टाइम, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि शाम के 4 बजे हमारा फिक्स रहता है कि सबको गार्डन एरिया में उतरना है। और मामा झूले पे बैठे हुए थे, ठीक है, और देख रहे थे कुछ पेपर वर्क और उधर भुट्टा फ्राई हो रहा था। तो ये शाम का व्यू कुछ ऐसा था। और हाँ यार, प्लीज़ अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, थोड़ा सा कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है। तो ये अभी हम सब इंजॉय कर रहे थे भुट्टा, फिर उसके बाद फिर से हो जाती है शाम और काम बहुत ज़्यादा है जैसे कि मैंने बताया। तो नाना जी के साथ वापस से आ जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस का काम करने के बाद जब मैं बाहर आती हूँ तो देखती हूँ है पिज़्ज़ा और ऊँट के मुंह में जीरे के 4 इंच जितना पिज़्ज़ा बाकी था। तो ये देख के मेरा मुँह फूल जाता है। तो मामा कहते हैं चलो अब मैं ले चलता हूँ तुम्हें पानीपूरी खिलाने। तो पानीपूरी के नाम से मुंह में आ जाता है पानी, फिर पानीपूरी एंजॉय करते हैं हम, ठीक है। और बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद कार में बैठ के हमने खाया अंडा फ्राई, ठीक है। ये सब करते कराते हो गई थी रात और शाम, पेट हो गया था फुल। फिर घर आके पिया एक लोटा भर दूध। दूध पीने के बाद हो जाती है आज की ब्लॉगिंग यही ख़त्म, ठीक है। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा था जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज जो मेरे वीडियो एंड तक देखते हैं। सो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच।